चैप्टर का नाम है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का नाम है। एक बॉडी है जिसका मास m है, अगर हम लोग इस पे फोर्स लगाते हैं मान लो इस डायरेक्शन में m, और बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है s वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये हमारा फोर्स है और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल हो थीटा, तो हम लोग कहते हैं कि जो वर्क डन होगा वो वर्क डन डिफाइन होता है एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये पुट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगा, फोर्स का अगर इधर प्रोजेक्शन करें तो कितना आएगा, ये F cos theta। प्रोजेक्शन खाली F cos theta आएगा और इधर प्रोजेक्शन क्या आएगा F sin theta। इसी प्रोजेक्शन को हम लोग कंपोनेंट भी कहते हैं। हम लोग लिखते हैं S into F parallel, क्या लिखते हैं S into F parallel। F parallel ये है F parallel, मतलब वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो पैरेलल हो, the component of force which is parallel to displacement को अगर displacement के साथ multiply कर देते हैं तो उनको work मिलता है। ये जो work है इसी तरह से हम लोग work define करते हैं किस में, physics में। ऐसे general जो work define होता है day to day life में, जैसे मान लो तुम खूब मेहनत कर रहे हो exam के लिए, daily रात भर जग के पढ़ रहे हो, 12 बजे 1 बजे तक रात तक पढ़ रहे हो, तो लोग क्या day to day life में कहते हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत काम कर रहे हो, काम कर रहा है, you are working hard, this is what people say when you are studying for examination, but in physics language we don't define work by that। हम लोग physics में define करते हैं work कैसे, जब हम लोग किसी body पे force लगाएं और body displace हो जाए तो कहते हैं कि work हुआ है, और work कितना हुआ है तो displacement into projection of force in the direction of displacement इतना ही work हुआ है, या ये कहें displacement into F parallel, इसी को क्या बोलते हैं work। कोई दिक्कत तो F parallel कितना है, F parallel है F cos theta, तो S into F cos theta ये आता है W equals to Fs cos theta। कोई दिक्कत, यही work done का definition, ये वर्क डन का मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब लेट अस टॉक अबाउट स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस मान लेते हैं जब बॉडी मास m फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये बताओ ये थीटा क्या है, क्या थीटा s और f के बीच का एंगल, इसमें थीटा फार्मूला में थीटा क्या है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आपस में पैरेलल हुआ, F पैरेलल टू S है, तो दिस इंप्लाइज थीटा शुड बी इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू Fs cos 0 डिग्री, तो वर्क डन इक्वल्स टू आ गया F इनटू S। कोई दिक्कत, दिस इज द फर्स्ट स्पेशल केस। लेट अस गो टू सेकेंड स्पेशल केस। सेकेंड स्पेशल केस क्या लेते हैं, जब हमारा बॉडी है इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके जस्ट अपोजिट, तो क्या हम लोग कहेंगे F is anti-parallel, anti-parallel S, F S के क्या है anti-parallel है। अगर F S के anti-parallel है तो थीटा कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और इससे वर्क डन आएगा W equals to Fs cos 180 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस Fs, ये हो गया वर्क डन। कोई दिक्कत, अब एक और थर्ड स्पेशल केस बचा है, इसको जल्दी से कॉपी करिए। सो नाउ वी कम टू थर्ड स्पेशल केस। थर्ड स्पेशल केस क्या है, देखिए थर्ड स्पेशल केस में क्या करते हैं, फोर्स अगर मान लेते हैं इधर लगाते हैं
या मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ही इधर हो रहा है और फोर्स इधर लगा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे है। वर्क डन जो होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्सेस परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? कैसे 0? क्योंकि हम लोग लिखेंगे W equals to क्या? FS cos 90 degree, cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 180 का वैल्यू होता है minus 1, याद है? अब आगे बढ़ते हैं, ये स्पेशल केसेस खत्म हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जिसमें आप लोगों को दिखेगा कि कहां पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, कहां नेगेटिव वर्क डन हुआ है, ये सब चीजें देखते हैं, है ना। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क डन देखें और वहां पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन आता है। टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क डन, कितने तरह का वर्क डन किया जा सकता है? तो पहला है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, ध्यान से सुनो, पॉजिटिव वर्क डन करने के लिए fs cos थीटा है ना, fs cos थीटा, w equals to क्या है, fs cos थीटा। f क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो हमको मालूम है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, फोर्स नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हम पुट कर रहे हैं वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो W equals to Fs cos थीटा, हम लोग क्या लिख रहे हैं, W equals to Fs cos थीटा है, तो क्या नेगेटिव हो सकता है, cos थीटा, है ना, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यही डिसाइड करेगा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर cos थीटा पॉजिटिव हुआ तो दिस इंप्लाइज वर्क डन पॉजिटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव हुआ तो वर्क डन नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं। cos थीटा पॉजिटिव होने का क्या मतलब, cos थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है कि थीटा को एक्यूट होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, एक्यूट। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब लेस देन क्या, 90 डिग्री, तो अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा हो तो वर्क जो होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। मतलब कुछ ऐसा इस तरह का सिचुएशन हो हमारे पास कि एक बॉडी है, इस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो और फोर्स ऐसे हो और थीटा ये हो, ये थीटा एक्यूट एंगल हो, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत। अब दूसरा केस देखना, जब हम लोग का दूसरा जो काइंड ऑफ वर्क डन है वो कहलाता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है, ध्यान से देखें, नेगेटिव वर्क पे अगेन W equals to Fs cos थीटा से ही हमको डिसाइड करना है, Fs cos थीटा, W equals to Fs cos थीटा ही डिसाइड करेगा। अब बताइए, क्या फोर्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, S का मैग्नीट्यूड भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और cos थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ cos थीटा इज व्हाट, नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब cos थीटा नेगेटिव हो, और cos थीटा नेगेटिव है इसका मतलब थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर थीटा एक्यूट होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। दिस इज क्लियर, जीरो। अच्छा, एक और टाइप ऑफ वर्क डन है जीरो वर्क डन, क्या वो जीरो वर्क डन यही वाला केस है, तो ये थर्ड केस भी लिख लेना, ये नेचर ऑफ वर्क डन है, टाइप ऑफ वर्क डन, इज इट क्लियर, जल्दी से कॉपी करिए।